अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं अपने मुर्गों को बाहर निकालने के साथ। मुर्गों को जैसे ही बाहर निकालता हूं तो लंबू मुर्गा खाने के लिए दानों के पास जा रहा होता है, तो इसको जल्दी से डांट कर बाहर निकाल देता हूं। बाहर ये देखिए, इतनी प्यारी चिड़िया कैसे प्यारी प्यारी आवाज़ें निकाल रही है। तो मैंने लास्ट वीडियो में कहा जो जो भाई हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो उनका नाम लाजमी से लूँगा। सबसे पहले है शमसुद्दीन रजा, फिर उसके बाद है मोहित अरीफ, फिर आते हैं हमारे दमन अली राजपूत, उसके बाद है मोसा थबल, फिर उसके बाद है अनीश, उसके बाद है बिलाल अफजल, फिर है अली, फिर है नाजिया सदीम, फिर है शाफ अली, फिर है मोहम्मद फराज, फिर है अब्दुल हई साहब। ये थे कुछ नाम भाई जो हमारे लास्ट दो तीन वीडियो में हमारे सब्सक्राइबर ने अपने प्यारे प्यारे कमेंट, अपने अपने प्यारे प्यारे नाम हमारी वीडियो के नीचे कमेंट किए थे। और भी भाई लोग जो कमेंट करेंगे तो उनका नाम मैं लाजमी से लूँगा। फिर अपने बनी गैंग के लिए भाई ताज़ा पत्ते लेके आ जाता हूँ, जो ये देखना सब कैसे मज़े से खाने लग जाते हैं। आज तो इनकी सही पेट पूरा हो गई है, मुझे तो लगता है अब इनका पेट भर जाएगा। फिर ये जो रोटी है ये मैं अपने मुर्गों को दे दूँगा। सबसे पहले देखो मुर्गों को बुलाता हूँ तो कैसे भागते हुए आ जाते हैं। लड़ाकू मुर्गी आती है तो लंबू मुर्गी उसको मारने लग जाता है। रोटी को छोटा छोटा करके इनके सामने रखता हूँ तो देखें कैसे मज़े से खाने लग जाते हैं। लंबू मुर्गा भी देखें कितना बड़ा है, तो चाबी तक इसका मुंह आराम से पहुँच जाता है। देसी मुर्गी नहीं खा पा रही थी तो इसलिए इनको ज़मीन पर ही खाना डाल देता हूँ। अब ये आराम सुकून से सब खाते रहेंगे। और ये देखें कौवे भी पार्टी में आ गए हैं, ये भी अपना मुँह भर के ले कर जाएंगे अपने बच्चों के लिए। ये देखें इसने कितना ज़्यादा खाना अपने मुंह में भर लिया है। फिर अपनी वाइट वाली मुर्गी को जल्दी से बंद कर देता हूँ। और ये हैं हमारे सभी प्यारे से कबूतर। आज तो भाई राजा की बारी आई हुई है अंडों पर बैठने की, देखें कैसे आराम सुकून से बैठा हुआ है। और भाई सब तुम लोग भी कोई अंडा वगैरह दे, हमारे सब्सक्राइबर ने नए नए बच्चे देखने हैं। फिर इनको बाहर निकालता हूँ तो देखें कैसे खुश होकर उड़ रहा है। उड़ता उड़ता भाई घर में आ जाता है। फिर इनको थोड़े बहुत दाने भी यहाँ पर डाल देता हूँ, जो ये देखे तीनों कैसे मिलकर खा रहे हैं। अपनी ड्राकू मुर्गी के अंडों पर बैठे आज 9 दिन हो चुके हैं, बस थोड़े ही दिन रह गए हैं फिर आपको नए बच्चे देखने को मिलेंगे। फिर ये खाने के लिए बाहर आ जाती है और आते ही पानी पीने लग जाती है। फिर इसको मैं यहाँ पर थोड़े बहुत दाने भी डाल देता हूँ। अब इसका पेट, मुझे तो लगता है कि अब इसका पेट भर जाएगा। पेट भरते ही अंडों पर जाकर खुद ब खुद बैठ जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी से करते हैं।